आज मेरे पास एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक में हमेशा आपसे बात करता हूँ कि हाँ सिटी में ये चल रहा है, कभी आरटीआर फ्लाईओवर खोल दिया, कभी इडली बोल रहा हूँ यहाँ की खाओ वहां की खाओ। लेकिन आज ऑन अ सीरियस नोट मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आज के टाइम का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। सो चीयर्स अप फॉर मंजीत जी एंड सौरंजीत जी, क्या बात है। और मैं आपको बता देता हूँ हमने तालियां क्यों बजाई हैं, क्योंकि संडे को फॉरवर्ड टू देम फॉर इंडियन आर्म फोर्सेज। मैं आपको बता दूं ये लोग सुपर बाइक्स सर सुपर बाइक्स भी हैं, बुलेट्स भी हैं, और सुपर बाइक्स हैं, बुलेट्स हैं, और बहुत सारी बाइकें हैं जो इसके अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स आएंगी, सुपर बाइक्स भी आएंगी, हर तरह की बाइक आएगी, बुलेट आएगी, यामा आएगी, हर चीज आएगी सर इसमें। और ये देश के लिए राइड हो रही है, एक अपने जो आर्मी के लिए राइड हो रही है। बहुत इसके अंदर लोगों के अंदर एक क्रेज है कि भाई ये राइड 11 अगस्त की कब आ रही है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। YRC टीम और पानीपत की जो टीम है, मंजीत सिंह जागलन जिनके एडमिन है, और सौरंजीत सिंह, मैं YRC का एडमिन हूँ। तो बहुत सारे हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े बड़े जो देश के लिए होते हैं। हमने ये जो सी राइड है ऑल डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाई है। सर क्या बात है, तो आपसे जानना चाहेंगे मंजीत जी कि इस राइड की मतलब सर ने बता दिया कि ये मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए है। इसमें आपको क्या लगता है कि कितने लोग अपना एंथुसियाज्म दिखाएंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लास्ट ईयर जैसे हमने हमारे पास कैलकुलेशंस थी, मोर देन 1400 बाइकर्स वर टेकन पार्ट। तो इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 2500 से 3000 बाइकर्स, और जब हम बाइकर्स बोलते हैं तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन वे में फुल सेफ्टी गियर्स के साथ, हेलमेट्स के साथ, अच्छी फॉर्मेशन। मतलब ये वो लोग नहीं जो ये वो रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं जो अपने ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, रोड सेफ्टी को समझते हैं, और वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। उस दिन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी भी, जो हमारे साथ राइड करेंगे अप टू 20-25 किलोमीटर। So what else you expect? इससे अच्छा क्या होगा जब हमारे साथ कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर भी हमारे साथ बाइक राइड करे। सर ये फील कैसी लगती है आपको कि बाइक राइडर्स चल रहे हैं, अपने देश के लिए चला रहे हैं, लोग देश के लिए अलग अलग चीजें करते हैं, आप इतने सारे बाइक राइडर्स को जुड़ा के एक इतनी बड़ी, एक इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं? सर इसका कोई बेसिक सा मकसद बता दीजिए, आपसे शुरुआत करते हैं। सर इसका बेसिक मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे आजकल के वो देश के साथ जुड़े, देश प्रेम के साथ जुड़े, और जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस तरीके के, ये देश से रिलेटेड ही होते हैं, ताकि जो लोग हैं वो देशभक्ति की ओर ज्यादा आए, और अच्छे से अच्छे इसके अंदर जो उनसे लोगों के अंदर अच्छी थिंकिंग आए कि हाँ यार हम अच्छे अच्छे कोर्स करें जो देश से रिलेटेड हो। आपको पता ही होगा जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स जैसे बनाए हैं हमने, और आने वाले इवेंट हैं जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लेकर होंगे, ये ऑल डिफेंस फोर्सेस के लिए जो इवेंट है हमारे, ये भी बहुत ज्यादा इस टाइम लोगों को पसंद आ रहे हैं सब। ओके, सो मतलब पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। जी जी सर, क्या लगता है इस बार के संडे में इस और इससे मैं आपको बता देता हूँ, लोगों ने एक साल पहले भी किया था, मुझे पता नहीं था, इन्होंने बताया सर ने। सर एक साल पहले वो क्या था, अमरीक सुखदेव और वो सब, एक बार बताइए। अमरीक सुखदेव फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द, आपको पता है अमरीक सुखदेव इतने बड़े बड़े पराठे खाते हो आप वहां जाके हमसे पूछ रहे हो आप, पता एग्जैक्टली। सो लास्ट ईयर ये 12 अगस्त को हमने राइड निकाली थी तालकटोरा स्टेडियम से अमरीक सुखदेव पाजी के यहाँ। उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें 600-700 राइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ही वाज लाइक इन दैट कैलकुलेशन व्हेन ही सॉ कि पूरा NH1 जो है, जिस टाइम पे उनके वेन्यू पे राइड पहुंची थी, तो पूरा NH1 कम से कम भी आधे घंटे के लिए ब्लॉक हो गया था। एंड यू नो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन के मतलब इतने सारे बाइकर्स विद ट्राई कलर ऑन उनके एंट्रेंस पे आके खड़े होते हैं, तो ही वाज लाइक ही इज इन शॉक कि ये एकदम से इतने बाइकर्स कहाँ से आए। एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने सभी बाइकर्स का जो भी अरेंजमेंट था, he didn't even charge single rupee from us, and वो पूरा का पूरा जो इवेंट था वो स्पॉन्सर्ड था, एंड we were really appreciated him कि ऐसे इवेंट्स में जब ऐसे कोई हमें सपोर्ट करता है, we are doing it for armed forces, right? So ऐसे में अगर वो हमें ऐसे सपोर्ट कर रहे थे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था, अगर हम उसको पे करने लगते तो शायद हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो एक बार इन्होंने पहले कर दिया, तो सो दिस इज 2.0 राइट, 2.0। तो इसमें पहले से क्या खास होने वाला है? सर ऐसा है, इसके अंदर आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये होम मिनिस्ट्री, PMO और
दिल्ली के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, हेडक्वार्टर जो ITO, यहाँ से सबसे परमिशंस मिलती है हम लोगों को. इसके साथ जो पूरी सिक्योरिटी मिलती है, पूरी पुलिस सिक्योरिटी मिलती है, पूरे रूट के अंदर पुलिस वाले रहते हैं. मगर सबसे बड़ी मजे की बात है, वो खुद वीडियो बनाने लग जाते हैं हमारे देख के, ट्रैफिक कंट्रोल करना भूल जाते हैं. तो ये चीज है सर, ये जो ये इवेंट है ये अमरीक सुखदेव पर ही होने वाला है दोबारा. अच्छा, एक दिन वो लोग 24/7 हम लोगों के लिए बॉर्डर पे सर्व करते हैं, हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे इतनी सुकून की नींद सो पाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ राइडर और बीइंग इन अ बाइकिंग कम्युनिटी, एटलीस्ट हम लोग उनके लिए कुछ ऐसा करें जहाँ पे एटलीस्ट एक यूनिटी का मैसेज जाए और लगे कि हाँ हम लोग भी ट्राइकलर से कितनी मोहब्बत है हमें और कितना प्यार हम करते हैं. सो बीइंग अ राइडर, जब हम लोग सभी लोग जस्ट इमेजिन 6 to 7 किलोमीटर्स लंबा कॉन्वॉय एंड एवरी बाइकर्स विद ट्राइकलर, वो नजारा देखिए एक बार, माइंड में सोचने से भी अंदर से एक एनर्जी आती है, ऐसा लगता है कि बड़ा पॉजिटिव सा माहौल बनता है. So, let me tell you something. जैसे मैं कॉन्वॉय वर्ड सुनता हूँ ना, मुझे एक कॉन्वॉय से आप समझ सकते हैं मैं कहाँ मेरी सोच जाती है. और आप आर्मी की बात कर रहे हैं, कॉन्वॉय जैसा मतलब सैल्यूट है, सिर्फ सैल्यूट. अभी भी मेरे गूज़बम्स देखो मेरे. Yes. आज भी मेरे को मतलब जो जितना हम कर सकते हैं उतना कम है. Definitely. जितना हम कर सकते हैं उतना कम है. तो सर इस बार मतलब फुल ऑन आपकी तो पूरी मतलब ऐसे पूरा कैमरा वैमरा टीम जाती होगी साथ. बिल्कुल सर, हमारे साथ यूट्यूबर्स बहुत सारे होते हैं, हमारी अपनी प्रोफेशनल टीम्स हैं. और पिछली बारी हमारे साथ 20 ग्रुप्स ने ज्वाइन किया था, इस बारी 75 ग्रुप अभी तक इन कर चुके हैं. और दुबई से भी कई राइडर्स क्लब हमारे साथ इसके साथ राइड ज्वाइन करने वाले हैं. ये राइड तो ये देश विदेश में आप अपनी ये चीज फैला रहे हैं. हाँ जी, जो कि गलत नहीं है, कोई भी देख के बोलेगा जी. आप तालकोटोरा गेट नंबर 4 11th of August को आइए, 7 बजे सुबह हम फ्लैग ऑफ करेंगे अपना. और आप खुद देख लेंगे वहां से वहां तक कितनी भीड़ होगी, पूरी रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी. क्योंकि देश के लिए राइड तिरंगे लगे हुए जब लहराएंगे तो आप खुद आपको बहुत मजा आएगा उस राइड्स में. बिल्कुल सर, मतलब ये चीज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. तो आपको संडे को जाना है तालकटोरा गेट नंबर 4 पे जाना है और वहां पे फ्लैग ऑफ होगा. फ्लैग ऑफ होते ही अपन बस निकलने की कुछ खाने पीने का. खाने पीने का सर अमरीक सुखदेव पे, क्योंकि राइडर्स सुबह मैंने तो देखो भाई थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी. अब आप सोच रहे हो कि फ्लैग ऑफ करके खाओ और फिर सो जाओ तो मजा नहीं आएगा. अच्छा भाई देखिए सर, बात करते हैं राइडर्स की. तो मतलब राइडर्स फुल ऑन, हम लोग जैसे दिल्ली में देखते हैं बड़ी बड़ी बाइक लाइक हार्ले डेविडसन एंड ऑल, वो सारी हमको देखने को मिलेंगे वहां पे. सारी मिलेंगे सर, सब आएंगे. लेकिन अपने सेफ्टी गियर्स जो उनसे होने वो बहुत जरूरी है, जो राइडर्स के पास होने चाहिए. और ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसके बिना हम परमिशन नहीं देते कि आप सेफ्टी गियर ना डालें. तो जो सेफ्टी गियर डालकर आएगा उसको हम जरूर अपने आगे मतलब आने देंगे. सेफ्टी गियर वाला ही चला पाएगा गाड़ी जी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. वरना आपकी देशभक्ति एक तरफ, आपकी सेफ्टी एक तरफ. ये तो मैं बोलना चाहूंगा रेडियो सिटी 91.1 पर. बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहां जाके मिलेगी. मेरा नाम है नितिन, हमारे साथ है मंजीत जी और सोरनजीत जी. बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, आपने हमारा मतलब क्या बोलूं, इतना बड़ा काम कर रहा हूं मैं, इसको बोल नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए सर कैंपिंग निकाल रहे हैं. सर कोई ऐसी चीज जो जाते जाते फाइनल आप मतलब लिसनर्स को बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी हमें बहुत सारे चांसेस देती है खुशियां मनाने का, सेलिब्रेट करने का. एटलीस्ट वी शुड गिव देम अ सिंगल चांस टू सी एटलीस्ट कि हाँ हमारे लिए भी कोई है जो हमारे को याद करता है और हमारे लिए ऐसा कोई काम करता है जिसमें एक मोहब्बत का मैसेज स्प्रेड होता हो. And we are really thankful to Radio City as well. Like they are also. Thank you आपको sir. Thank you आपको. जितना बड़ा आप काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको देश में कोई भी thankful मतलब कर पाएगा मेरे हिसाब से. really appreciated. Radio City ने as an radio partner हमें इस event में join किया. Thank you so much for that. And we will expect कि everybody दिल्ली NCR और जो भी लोग इस शो को देखेंगे वो हमें 11 अगस्त को join करेंगे. बाकी सर मैं ये बात सबसे आप सबसे बोलूंगा कि पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे इसके अंदर एम्बुलेंस मैक्स हॉस्पिटल हमारे जो राइड पार्टनर है उसने आगे पीछे जो उनसे एम्बुलेंस दी हुई है ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो. और जो राइड की स्पीड पे है वो 40-50 से ज्यादा हम नहीं रखते हैं अपनी हाईवे के ऊपर. और बहुत सेफ्टली तरीके से इस राइड को हम वहाँ पे पहुंचाएंगे, ये हमारा सबसे एक वादा है. लेकिन आप अपने सीट ढंग से 2x2 फॉर्मेशन पे जो राइडर्स हैं सारे चलेंगे, आप आ सकते हैं वहां पे सीधा डायरेक्ट अमरीक सुखदेव पे पहुंच सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं सर. तो अमरीक सुखदेव पे पहुंचने के बाद नेक्स्ट क्या करना, मतलब आपको ज्वाइन करने के बाद मतलब बैक टू पवेलियन. इसमें ऐसा क्या है कि जैसे हमने हर चीज का एक सीक्वेंस सेट किया हुआ है, एज दिस राइड इज रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेज, सो एवरीथिंग शुड, एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग दैट शुड बी इन डिसिप्लिन मैनर.
सो जब वो अगर तालकटोरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां भी हमारे जो मार्शल्स अपॉइंटेड हैं दे विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ लाइक कि कैसे फॉर्मेशन में उन्हें व्हीकल्स को पार्क करना है वो प्रॉपर पार्क कराने के बाद एंड जैसे राइड स्टार्ट होती है राइड स्टार्ट होने के बाद भी जब आप वेन्यू पे पहुंचेंगे देन अगेन वहां पे ड्यूटीज असाइंड हैं आपको सिर्फ दरवाजे पे खड़ा होना है वो अंदर आपकी एंट्री अपने आप पूरा जुगाड़ पानी है जी दिक्कत लेने की लोड ही नहीं है रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूं नितिन मेरे साथ मंजीत और सौरनजीत जी जो आपको सीधा मिलेंगे तालकटोरा स्टेडियम सर एक बार टाइमिंग बता दीजिए 7 AM शार्प शार्प 7 AM और जो आर्मी के लिए जो काम करते हैं ना और आर्मी में जो काम करते हैं वो टाइम के बड़े पक्के होते हैं तो जी अगर मिस नहीं करना है तो पहुंचना जरूरी है क्यों मंजीत जी बिल्कुल रेडियो सिटी 91.1 रग रग में दिल्ली सिटी